ईस्ट एशिया समिट में जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने खुला बयान दिया है, जानेंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूसी राष्ट्रपति खुद भारतीय नेवी के पास क्यों चले आए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने शनिवार को युद्धग्रस्त गाजा में तनाव कम करने और संयम बरतने का आह्वान करते हुए यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति के महत्व को बनाए रखने पर जोर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन की बैठकों के हिस्सों के रूप में लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए दो प्रमुख संघर्षों पर भारत के नजरिए को दुनिया के सामने रखा है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया पर बोलने के बाद दुनिया के दो सबसे उग्र संघर्षों के बारे में बात, एक इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जो गाजा के लिए परेशानी का कारण बन रहा है और दूसरा यूक्रेन और रूस के बीच का संघर्ष। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खुले समुद्री संचार के महत्व पर भी जोर दिया है। जयशंकर ने अपने संबोधन के बाद एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा कि गाजा में तनाव कम करने और संयम बरतने का आह्वान है, भारत फिलिस्तीन के लोगों की मानवीय सहायता देना जारी रखेगा, लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले चिंताजनक है, भारत समुद्री नौवहन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में स्वतंत्र रूप से योगदान दे रहा है। ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीर उसी बैठक की है। भारत ने 15 जुलाई को फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं का समर्थन करने के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। ये भारत द्वारा प्रतिवर्ष दान की जाने वाली कुल 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त थी। कई मंचों पर भारत ने गाजा के लिए दो राज्य समाधान का समर्थन किया है और मानवीय आधार पर गाजा में तनाव कम करने और संयम बरतने का आह्वान किया है। यूक्रेन में संघर्ष पर विदेश मंत्री ने बातचीत और कूटनीति के महत्व को बनाए रखा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की से बातचीत की है, भारत हर संभव तरीके से योगदान देने को तैयार है। जून में पीएम मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की से मुलाकात की थी। बाद में उन्होंने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात। जयशंकर ने बैठक के बाद कहा कि EAS में हमें ऐसे समय में एक साथ लाने की महत्वपूर्ण है जब मतभेद तीखे हैं और हित विविध हैं। भारत हमेशा EAS प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहेगा। आपको बता दें, भारत ने अभी तक 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा नहीं की है और लगातार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के समाधान की वकालत की है। हालांकि 9 जुलाई को पुतिन के साथ अपनी बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है और बम और गोलियों के बीच शांति प्रयास सफल नहीं होते हैं। जहां एक तरफ भारत ने अपनी राय बिल्कुल साफ साफ रख दी, तो वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का स्टिल्थ फ्रिगेट ये पहुंचा है रूस और रूस के नेवी डे सेलिब्रेशन में पहुंचा हुआ है। आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ये थोड़ा कंसर्निंग है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तबर इस तरीके से पहुंचा हो रूसी इवेंट में। पहले भी 25 जुलाई 2021 को 325वीं एनिवर्सरी रूसी नेवी की थी, तब ये पहुंचा था और इस बार भी ये पहुंचा है और इसको खुद राष्ट्रपति पुतिन ने संबोधित किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि INS तबर रूस पहुंचने से पहले सबसे पहले जर्मनी पहुंचा था 17 जुलाई को, यहां 3 दिनों तक रुका था और उसके बाद जर्मन ने भी यहां से आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए ये रूस पहुंचा था। MR हरीश ये इसे लीड कर रहे हैं, 280 नौसैनिक हैं इसमें सवार और इसे इजिप्ट मोरक्को रुकते हुए ये वहाँ पहुँचा है। तलवार क्लास का फ्रिगेट है जो कि डेवलप किया गया है रूस के द्वारा ही।
रूस ने भारत को 1997 में इस क्लास की कई सारे फ्रिगेट को भेजा है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि इस वक्त जुलाई 26 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की भी सेना व्लादिवोस्तोक पहुंची है और ये एक शेड्यूल्ड विजिट पर पहुंची है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम की भी आर्मी यहां पर पहुंची हुई है। वियतनामी सिप हुंग डाओ ये 24 जुलाई को पहुंचा हुआ है रूस, और रूस में ये इस वक्त ऑफिशियल सेरेमनी का हिस्सा बन रहा है। इनके स्टे के दौरान ऐसा लगता है जैसे वियतनाम और चाइना और रूस के नेवी आपस में अभ्यास कर सकते हैं, और कहा जा रहा है कि एक दूसरे को देखने का, समझने का मौका मिलेगा। रशियन पैसिफिक फ्लीट जो इस वक्त जॉइंट पेट्रोल कर रहा था चाइना के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में 12 जुलाई से 15 जुलाई तक, रूसी नेवल डिपार्टमेंट चाइना के साथ भी खूब इसमें इंगेज हो रहा है। पर इसी बीच देखने को मिला, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति पुतिन भारतीय नेवी की तरफ बढ़े और यहाँ पर इन्होंने भारतीय नेवी को संबोधित किया। वैसे आपको बता दूं, भारत हमेशा से भेजता रहा है, ऐसा कुछ नया नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है, रूस पहले से 2 स्टिल्ट फ्रिगेट बना रहा है और जिसके ट्रेनिंग के लिए, जांच के लिए भी भारतीय नौसेना पहुंची हुई है। वैसे भारत और रूस के संबंध एक अलग लेवल पे चल रहे हैं। अब इस चीज को लेकर भी हो सकता है मुद्दा बनाया जाए, पर मेन मुद्दा ये है कि भारत जिस तरीके से चलता रहा है उसी तरीके से चल रहा है, कुछ नया यहाँ पर भारत ऐड नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर चीजें थोड़ा भारत संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत रूस के साथ भी, यूएई के साथ भी बात कर रहा है अपने व्यापार को किस तरीके से 100 बिलियन डॉलर के ऊपर ले जाया जा सके। 2030 तक ही इन दोनों देशों का टारगेट है कि ये अपना व्यापार कम से कम 50% तक बढ़ा लें। और इस बीच में जब भारत का क्रिटिसाइज किया गया तो भारत ने इस चीज को लेकर जवाब भी दिया, और जवाब देते हुए ये कहा कि देखिए, हरेक को स्वतंत्रता, हरेक को अपनी विदेश नीति तय करने की स्वतंत्रता होती है, और इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति चुनी है, अपने हिसाब से भारत यहाँ पर काम कर रहा है। वैसे रूस के साथ भारत के और भी सारे व्यापार, जैसे कि 120 सुपर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी चल रहा है, और ये कोई नया नहीं है जो भारत यहाँ पर न पहुँचे, भारत यहाँ पे पहुँचा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसके लिए भी पश्चिमी दुनिया की तरफ से किसी तरह का कोई कमेंट आता है। रूस के नेवी डे पर ज़्यादातर भारत अपने फ्रिगेट्स को भेजता रहा है, कोई नई बात नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।